नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट का। ठीक है, लेकिन दोनों अलग है, थोड़ा अलग है पर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लिस्ट एलिमेंट एक हैश डायग्राम में, लिस्ट जो एलिमेंट है उसका डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा सा अनऑफिशियल वर्ड्स में कहूँ तो ये होगा कि दिस एलिमेंट, ओके, दिस एलिमेंट, ये टी है, हाँ, कर्सिव में इसे टी कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता एक्चुअली, इसलिए मैं कह रहा हूँ टी होता ही है। दिस एलिमेंट कैन रिलेट टू एवरी एलिमेंट। ठीक है, दिस एलिमेंट ए, सोचो ए है, कैन रिलेट विथ एवरी एलिमेंट, मतलब इधर मैं ऑल लिख देता हूँ, ऑल। ठीक है, ए रिलेशन बना सकता है सभी के साथ, अगर ऐसा कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर उसे लिस्ट कहते हैं, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ कि एटमोस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, एटमोस्ट वन एलिमेंट, ये भी मैं बता दूंगा कि एक्चुअली है क्या ये। तो पहले डेफिनेशन देख लो, फिर मैं बताता हूँ। और ग्रेटेस्ट का अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, ग्रेटेस्ट, तो क्या लिखोगे इसमें, ऑल एलिमेंट्स कैन रिलेट टू दिस एलिमेंट। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, ये एक्चुअली एकदम ऑफिशियल में डेफिनेशन में नहीं दे रहा, ऑफिशियल डेफिनेशन अलग है, थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, पर उसका मीनिंग यही है। ठीक है, उसका मीनिंग यही है, ऑल एलिमेंट्स कैन रिलेट टू दिस एलिमेंट, टू दिस एलिमेंट, मतलब ऑल रिलेशन ए। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स कैन रिलेट विद दिस एलिमेंट, और ये भी एटमोस्ट वन है। तो एग्जांपल देखते हैं, फिर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है कि ये वाला हैश डायग्राम, मैं डायरेक्ट अभी हैश डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो चलो इसे वन कर देते हैं, इसे टू कर देते हैं, इसे थ्री कर देते हैं और इसे फोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट में, ठीक है, इस एक्चुअली एक काम करते हैं, ये वाला एग्जांपल हम सेकंड इसमें लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल के रूप में इसे लेते हैं, कोई और एग्जांपल मैं देता हूँ, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अभी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, तो वन टू थ्री एंड फोर, ओके, ये एलिमेंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि लाइन्स कैसे बने हुए। ओके, तो लिस्ट पहले देखते हैं, इसमें लिस्ट कौन सा है, लिस्ट वो एलिमेंट है जो सभी के साथ रिलेशन बना सकता है। ठीक है, तो सोचो मैं फोर लेता हूँ, ठीक है, फोर लेता हूँ, क्या फोर थ्री के साथ रिलेशन बना सकता है? ठीक है, फोर थ्री के साथ रिलेशन बना सकता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रहा है जो ऊपर चल रहा है। क्या फोर वन के साथ रिलेशन बना सकता है? नहीं, फोर वन के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ठीक है, फोर कमा वन में नहीं लिख सकता, ये गलत है, क्यों? क्योंकि वन नीचे है, तो फोर फेल हो गया। थ्री, क्या थ्री लिस्ट का बात करो, ठीक है, क्या थ्री किसी और के साथ रिलेशन बना सकता है? नहीं बना सकता, वो तो एकदम, मतलब जो क्या कहते हैं, एकदम जो हाईएस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट है वो, तो किसी और के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता। टू का बात देखते हैं, टू भी फोर की तरह ही है, वो वन के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। तो वन, क्या वन सभी के साथ रिलेशन बना सकता है? ऑफकोर्स, वन फोर के साथ रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि लाइन कनेक्टेड है और ऊपर है फोर। क्या वन टू के साथ रिलेशन बना सकता है? ऑफकोर्स, वन टू के साथ भी, और वन थ्री के साथ भी बना सकता है, क्यों? क्योंकि एक लाइन डायरेक्ट कैसे कनेक्टेड है और सिर्फ ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से कोई एलिमेंट मिल जाए तो वो होता है लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, वो होता है लीस्ट एलिमेंट। तो इधर लीस्ट एलिमेंट जो है वो है वन।
तो ठीक है, अभी लिस्ट तो एक मिल गया हमें। अब इसमें इसमें हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी ढूंढना है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा कुछ इस तरह से। ग्रेटेस्ट वो मतलब वो एलिमेंट होगा जिसके साथ सभी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, वन एक एक करके अभी देखते हैं। वन तो ठीक है, लिस्ट हो गया तो उसे छोड़ दो। फोर, क्या सभी एलिमेंट्स मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स फोर के साथ रिलेट कर सकते हैं? मतलब इस तरह से कॉमा फोर कर सकते हैं? वन तो ठीक है कर सकता है, लेकिन टू टू फोर के साथ रिलेटेड नहीं है तो टू नहीं कर सकता। थ्री थ्री भी नहीं कर सकता क्योंकि थ्री के नीचे है फोर, तो थ्री कॉमा फोर नहीं बल्कि फोर कॉमा थ्री होगा। लेकिन अभी थ्री देखते हैं, ठीक है ये तो ये कैंसिल हो गया। थ्री देखते हैं, क्या सभी एलिमेंट्स सभी के सभी एलिमेंट्स थ्री के साथ रिलेशन बना सकते हैं? ऑफकोर्स मैं वन कॉमा थ्री भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक रास्ता दिख रहा है, टू कॉमा थ्री भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक रास्ता दिख रहा है, और फोर कॉमा थ्री भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक रास्ता मुझे दिख रहा है। तो जब सभी एलिमेंट्स और ऑफकोर्स थ्री कॉमा थ्री भी तो है, ठीक है थ्री भी कॉमा थ्री, वो तो ठीक है वो समझ में ही आता है। तो जब सभी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है तो उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओके, तो समझ में आ गया कि क्या होता है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, एक बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा। अब एटमोस्ट वन का क्या मतलब है? ठीक है, एटमोस्ट वन ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी और अच्छे से देखेंगे। इसका मतलब है कि हर ऐसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जांपल में, ठीक है हैश डायग्राम के हर एग्जांपल में हमें लीस्ट एलिमेंट मिले, ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेकिन इतना तो हमें पता है कि अगर लीस्ट एलिमेंट मिलेगा तो एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल में, और जो मैंने पहले बनाया था वही मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से, तो चलो इसका भी नामकरण दे देते हैं, वन टू थ्री फोर इस तरह का। तो लिस्ट, लिस्ट क्या है? लिस्ट ये भी ना हम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं कि जो लैडर है, लैडर के सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है उसे हमें लिस्ट मान लेना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट दिखे तभी हमें उसे लिस्ट मानना है। जैसे कि वन, हमें एक ऐसा ही पॉइंट दिख रहा है वन जिसके नीचे हम नहीं उतर सकते हैं। ठीक है, सबसे लैडर, इस लैडर के सबसे नीचे है ना वन, इसके नीचे हम नहीं जा सकते, तो ये हो गया लिस्ट। और ये भी देख सकते हो कि ये वन जो है ये सभी के साथ रिलेशन बना सकता है, ये भी हम देख सकते हैं। पर लेकिन बट ग्रेटेस्ट यहाँ पे कोई नहीं है, ग्रेटेस्ट यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्री अगर हम ले लेते, थ्री और फोर सबसे ऊपर दिख रहा है मुझे, थ्री के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, फोर के भी ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन क्या अगर मैं फोर ले, चलो फोर ले लेता पहले, तो क्या थ्री मतलब सभी एलिमेंट्स उसके साथ रिलेट करना चाहिए ना? जैसे वन रिलेट कर रहा है इसमें, जैसे फोर रिलेट कर रहा था, वन रिलेट कर रहा है, टू भी रिलेट कर रहा है, लेकिन इधर क्या थ्री फोर के साथ रिलेट कर रहा है? थ्री फोर के साथ रिलेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सिमिलरली क्या अगर मैं थ्री ले लेता हूँ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो क्या फोर थ्री के साथ रिलेट कर पा रहा है? फोर थ्री के साथ रिलेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो इस केस में ग्रेटेस्ट ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक भी एलिमेंट ऐसे ग्रेटेस्ट में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे इधर फाइव लिखना पड़ा। फाइव का मतलब है नन, तो इसलिए कोई ऐसा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। लेकिन लिस्ट एलिमेंट एक है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है जो सभी के साथ ऐसे रिलेशन बना सकता है। ओके, अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में पता चलेगा कि ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, कि ऐसे लिस्ट और ग्रेटेस्ट हमेशा नहीं मिलता। ठीक है, कभी कभार तो दोनों ही नहीं मिलते हैं। तो देखो उससे ऐसा एक एग्जांपल, जो तीसरा एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये इस तरह का एक एग्जांपल है। तो अभी देखो इसमें मिनिमल नहीं, इसमें लिस्ट और ग्रेटेस्ट, लिस्ट और ग्रेटेस्ट देखते, तो लिस्ट पहले देख लेते। लिस्ट क्या है इसमें? तो थ्री, थ्री के नीचे हम नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन फोर के भी नीचे नहीं चढ़ सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए अभी।
लेकिन अब ये बात देखो कि अगर मैं थ्री को मान लेता हूँ कि वो लीस्ट है, तो थ्री तो फोर के साथ रिलेशन नहीं बना सकता ना। मैंने क्या बताया था लिस्ट में कि वो जो एलिमेंट है वो सभी के साथ रिलेशन बनना चाहिए, तो थ्री और फोर तो कनेक्टेड नहीं है, बीच में पूरा खाली है, तो थ्री फोर के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। सिमिलरली फोर थ्री के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, तो मैं फोर को भी नहीं मान सकता है, वो लिस्ट एलिमेंट है। तो इधर लिस्ट इज फाइव, नहीं है लिस्ट एलिमेंट, क्या कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट कर देखते हैं, ग्रेटेस्ट। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रेटेस्ट में भी कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल सकता कि वो ग्रेटेस्ट है, क्योंकि वन के ऊपर हम नहीं चढ़ सकते, टू के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो ये दो एलिमेंट्स हमें, दो ऑप्शंस मिले हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट पहली बात तो ये देखो कि ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पहला जो काम करना है हमें। लेकिन फिर ये भी देखो कि ऐसे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, एक से ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स मिले जिसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते, तो फिर ग्रेटेस्ट इज़ नथिंग, फाइव। और अगर हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला जिसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, तो फिर वो लिस्ट में आ जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट मिला जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते, तो वो ग्रेटेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, ठीक है, ये तीन एग्जांपल आपको समझ में आ गए, मैं एक बार देख लेता हूँ और भी एग्जांपल है या नहीं। ओके, और भी एग्जांपल है पर वो होमवर्क के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि मिनिमल, ठीक है, अगर मिनिमल अगर सिर्फ एक है, मिनिमल अगर सिर्फ मुझे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो फिर ये होगा दिस, एक्चुअली इस तरह से नहीं, मैं थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूँ। If there is only one minimal element, then it is least element। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? जैसे इधर देखो, ठीक है, इधर मिनिमल कितने सारे हैं? इधर दो है, ठीक है, मिनिमल इधर दो है, या चलो 3.4 है, थ्री इधर मिनिमल एलिमेंट्स क्या है, 3.4, तो दो एलिमेंट्स हमें दिखे। पर अगर इधर क्या है लिखा है कि अगर एक एलिमेंट है मिनिमल में, तो ही लिस्ट मिल सकता है, ठीक है, तो ही हमें लिस्ट मिल सकता है। तो इधर दो है तो हमें लिस्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर ये मैं देखूँ मिनिमल सिर्फ एक ही है, ठीक है, वन जो एलिमेंट है वो मिनिमल में आता है, तो एक ही हमें मिनिमल मिल रहा है। तो इस रूल के अनुसार देर इज़ ओनली वन मिनिमल एलिमेंट, देन इट इज़ लिस्ट एलिमेंट। तो ये करेक्ट हो गया, मिनिमल एलिमेंट है ना, वन है, एक ही मिल रहा है मुझे, तो वो भी लिस्ट में एलिमेंट में आ जाएगा। पर मैक्सिमल का भी केस देख लो, मैक्सिमल का वही है, मैक्सिमल अगर हमें एक मिल रहा है तो वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे मिनिमल में एक एलिमेंट मिला मिनिमल में, तो वही लिस्ट एलिमेंट होगा। अगर मैक्सिमल में हमें एक एलिमेंट मिला सिर्फ एक, तो वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। तो इधर देखो, इधर मैक्सिमल में मुझे थ्री भी मिल रहा है और फोर भी मिल रहा है, करेक्ट, तो इसलिए चूँकि एक से ज़्यादा है वो ग्रेटेस्ट में फाइव हो जाता है। ओके, इधर देखो, मिनिमल इधर वन है और मैक्सिमल इधर थ्री है, क्योंकि मुझे एक ही एलिमेंट मिल रहा है मिनिमल में, और मैक्सिमल में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है, वो हो जाता है लिस्ट और ये हो जाता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस केस में भी मैक्सिमल में दो एलिमेंट्स है, 1.2, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट में फाइव आ जाता है। तो याद रखना, अगर मिनिमल में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो वही एलिमेंट लिस्ट है, और एल्स देर इज नो लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, याद रखना इस बात को, अगर सिर्फ एक मिनिमल मिल रहा है, जैसे इस केस में मुझे एक ही मिनिमल एलिमेंट दिख रहा है, तो वही लिस्ट होगा। और अगर एक से ज़्यादा मुझे मिनिमल एलिमेंट्स दिख रहा है, तो फिर लिस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, तो फिर हमें देर इज़ नो लिस्ट एलिमेंट, हमें नहीं मिलेगा। सिमिलरली अभी मैं ग्रेटेस्ट के लिए फिर से ये बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ग्रेटेस्ट के लिए भी अगर मैक्सिमल एलिमेंट्स हमें सिर्फ एक मिल रहा है, तो वही ग्रेटेस्ट होगा। अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स हमें मिल रहा है, तो फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट
नो होगा, नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो अभी मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये आप मतलब कितना 5 मिनट में आप कर सकते शायद, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो जो होमवर्क है वो इस तरह से दिखता है, हैज डायग्राम। हाँ, एक बात का याद रखना कि एक मिनट है, मैं पहले बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 and 5। एक बात याद रखना, ये जो हैज डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ, हो सकता है मतलब हालांकि थोड़ा कम चांसेस है, पर अभी कभी कभार हो जाता है कि हैज डायग्राम ना दिया हो और डायरेक्टली एक पोसेट दे दिया गया हो। तो हमें पोसेट से हैज डायग्राम बनाना है, फिर हैज डायग्राम से ये मिनिमल मैक्सिमल ये सब ढूंढना है। ठीक, अगर आपके पास प्रैक्टिस रहे तो फिर प्रैक्टिस के सहारे आप मतलब बिना हैज डायग्राम बनाए भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा और कुछ नहीं। तो इसमें आप बताइए कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें कौन से है, और अगर मतलब है या नहीं है, ठीक है, ये आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, करेक्ट रहा तो मैं करेक्ट कर दूँगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।